हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर में आपका स्वागत है। ये देखिए आपके सामने मैं ट्रिग्नोमेट्री का 6th लेक्चर को लेकर आ रहा हूं और इसको कुछ डिराइव करने जा रहा हूं, यानी कुछ बताने जा रहा हूं आप लोग से। मैंने अभी तक 5th लेक्चर दे चुका हूं जो कि सभी को डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ट्रिग्नोमेट्री के 6th लेक्चर में हम आज कुछ स्क्रीन पर आप लोग को मैंने फार्मूला लिख कर रखा है जो कि यहां पे यूज बेसिकली अब इसमें बहुत ज्यादा हो। तो आइए देखते हैं, क्योंकि मैंने इसको इसलिए धीरे धीरे और एक एक पॉइंट को समझा के पढ़ा रहा हूं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। आइए देखिए, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब तो आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो ये सब याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए दोनों एक दूसरे के यहाँ पे माइनस लगा है तो आप डायरेक्ट माइनस लगा दो। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए इसी तरह से हम फॉर्मूले को यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि यार ये कहां से आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी प्लस इंटू साइन ए माइनस बी का, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ए कॉट ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी का क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाई कॉट बी प्लस कॉट, ठीक है। इसी तरह से इसका देखिए फार्मूला को याद करना है तो मैंने यहाँ पे भी बताया, यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस यानी साइन जो होता है प्लस फिर माइनस। ये देखिए कॉस ए प्लस बी है तो इसमें माइनस लगा है, और कॉस ए माइनस बी है तो इसमें प्लस लगा है। टेन ए प्लस बी है तो क्या है, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी है। अब टेन ए माइनस बी है तो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस फिर वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो नीचे माइनस लगा है और ऊपर प्लस। इसीलिए इसी तरह से साइन सी प्लस साइन डी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये भी एग्जैक्टली यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे मैंने जितने फार्मूलों को लिखा हूँ सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कुछ ये देखिए ये तो यहाँ पे बच्चे का ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बेस्ट जो क्वेश्चन आते हैं। आइए साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस डी का क्या फार्मूला होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या, टू कॉस ए यानी कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है, कॉस सी माइनस डी का फार्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है, टू साइन सी टू साइन टू ए, साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर है माइनस इक्वल टू, या तो इसे आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन के फॉर्म में, या साइन के फॉर्म में बोल दे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, या टेन के फॉर्म में बोल दे तो वन माइनस टेन स्क्वायर है बाई वन प्लस टेन स्क्वायर है। साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। और कॉस थ्री ए का क्या होता है, तो फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए। या टू साइन ए इंटू कॉस बी का क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस।
मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले को लिख रखा हूं, लेकिन आप लोग से मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा और बहुत आसानी से सब क्वेश्चनों को आइए हम समझते हैं। लेकिन आप लोग से मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि क्या कर लीजिएगा इसे। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हम ले रहे हैं और उसे समझाने की कोशिश। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैं दो ठो क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये आपके एनसीईआरटी के सभी 3.3 एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसी बेस्ड सब क्वेश्चंस हैं। और अभी तक मैंने काफी क्वेश्चन 3.2 तक लगवा चुका हूं और कुछ फॉर्मूले को बताया हूं। आइए 3.3 के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं और इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक चीज और आप लोग से बताया कि कॉन्सेप्ट को समझिए, और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बेसिकली कहीं से भी कर सकते। ये क्वेश्चन आपके सामने जो नजर आ रहा है ये कहीं ना कहीं आप 10th में भी पढ़ के आए होंगे मुझे लगता है। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और नजरे गड़ाकर इससे हम बात। मुझे इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है तो हम क्या लेते हैं LHS पहले उठाते हैं LHS। अच्छा, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस की खास बात ये होती है कि कभी भी क्वेश्चंस को प्रूफ करना है तो हमें कभी भी यदि प्रूफ करना है तो पहले हम LHS को लेंगे और उसे RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, LHS उठाइए आप, 1 माइनस से बाई 1 प्लस, जानते हैं इसका आप परिमेय कर लीजिए। अब परिमेयकरण होता कैसे है, क्योंकि मुझे रूट को हटाना है तो जो आपका नीचे प्लस में है तो माइनस में होकर ऊपर नीचे उसी से आप मल्टीप्लाई करें। तो बताइए 1 माइनस कॉस a का स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो। अब देखिए फिर इसको, ये देखिए रूट में है यानी 1 माइनस कॉस a का स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। अरे भैया आपके पास ये तो पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो 1 यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम इसी के जगह पे इसको पुट कर दिए, ठीक है, तो इसके जगह पे हम इसको पुट कर दिए तो मेरा क्या आ गया बताइए। ये हटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन। इसको आप क्या कर दिए ना, अलग अलग पार्टों में बांट दीजिए, 1 माइनस साइन कॉस ए बाई साइन। और जब 1 बाई साइन a क्या होता है तो आप बोलेंगे कि cos a a माइनस cot a इक्वल टू RHS। ठीक है, मैंने LHS को उठाया RHS तक ले गया। आप लोग को क्या क्लियर दिखाई दे रहा है? ओहो ओहो, चलिए अच्छा, यहां तक आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। यहां देखिए, तो इसी को देखिए तोड़ दे रहे हैं डायरेक्ट। अब रूट हट जाएगा क्योंकि देखिए दोनों जगह स्क्वायर नजर आ रहे हैं तो डायरेक्ट रूट हट जाएंगे आपके। रूट हटेंगे तो क्या बचेंगे, 1 माइनस कॉस a बाई साइन, अलग अलग इसको तोड़ लीजिए तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए माइनस कॉट इक्वल टू आर एच एस। यानी LHS को मैं उठाया RHS तक गया, बहुत इजी क्वेश्चंस था। अब थोड़ा हम दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, इस
इसमें कुछ दम है, आइए इसको देखा जाए और क्वेश्चन को। ये देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चंस है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब यार तुम्हें डायरेक्ट मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, एलएचएस ले रहा हूं। क्या है 3 sin π/6 से π/3 -4 sin 5π/6 cot π/4। यदि देखिए पाई बाई सिक्स की साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि सर साइन यानी पाई बाई सिक्स का मतलब यदि हम इसको डिग्री में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, ठीक है हाँ 180 यानी 60 यानी 30 यानी साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पाई बाई सिक्स है ना भाई, यानी साइन 30 1/2 और sec 30 यानी cos 30, यहां पे sec 30 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, sec पाई बाई 3, और जब हम इसको पाई बाई 3 है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अरे भाई इसे ये रेडियन में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं क्या होता है, 2π = 360 degrees, तब π = 180 degrees। तब यदि मुझे रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 1 radian = 180 / π, कंफ्यूजन दूर ऐसे किया करो यार। तो जब पाई बाय 3 रेडियन है तो 180 / π, ये से ये कट गया 60 हो गया, बोलो। और जब आपका 60 हुआ तो ये यानी sec 60 = 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 × 2 - 4। अब देखिएगा इसको भी चेंज कर लीजिए, sin π - π/6 cot, अब देखिए 180, डायरेक्ट मैं यहां पे कर दे रहा हूं क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4 9 यानी 45 ठीक है, ये आपका कट जाएगा भैया -4 × 2 = 4। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा हो जाएगा ये तुम्हारा। अब किसमें चला गया, ये किसमें जाएगा बताइए, 180 यानी हाँ 6π यानी ये आपका ऐसा है कि इसको ऐसा करो कि ये तुम्हारा फर्स्ट में जा रहा है ना, क्योंकि 180 इसी में आता है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 6 इंटू कॉट का 1 हो जाता है 3 माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी जरूरत है, ज्यादा भी जरूरत नहीं है। 30 का कितना वैल्यू होता है, 1/2, 3 - 2 आ जाएगा यानी 1 = R, क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्लियर होगा भाई। तो हमें एग्जैक्टली क्या है भाई, LHS को उठाना है और RHS लेके आना है, चाहे कैसे भी आप सॉल्व कीजिए, LHS उठाइए और RHS तक जाइए। आइए एक दो क्वेश्चन और मैं उठाता हूं और उसे सॉल्व करके आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा लगता है
कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा और कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन है, इतना इज इक्वल टू इतना मुझे प्रूफ करना है। क्या करना है? इतना इज इक्वल टू इतना मुझे प्रूफ करना है। और एक क्वेश्चन और है, चलिए अच्छा इसको मैंने सॉल्व कर लेता हूं तब उसको लेता हूं। इसमें भी आपको कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है देखिए। देखिए 3x को आप 2x प्लस x लिख सकते हो, ये चीज सर दोनों साइड 10 ले लो, 10 इज इक्वल टू 10 2x प्लस होगा, होगा कि नहीं बोलो? होगा जी सर, यानी 10 3x इज इक्वल टू यहां पे 10 a प्लस b का फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है? 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a इंटू 10, यही आपका फार्मूला है। तो 10 a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 10 3x 1 माइनस 10 2x इंटू इक्वल टू 10 2x प्लस 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 10 3x माइनस 10 3x 10 2x 10 x इक्वल टू 10 2x प्लस 10। ऐसा कीजिए कि इसको अब इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, यानी 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10 x इक्वल टू 10 3x 10 2x 10। आपको क्या नजर आ रहा है? 10 3x 10 2x माइनस 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10 x इक्वल टू 10 3x 10 2x 10 x क्या है? अरे यही तो है, बोलिए यही तो है क्यों, है ना? अरे भाई इसको घुमा दिया है और कुछ नहीं, इसको इधर खत्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत वो भी अच्छा क्वेश्चंस हैं और जो कि समझने में आसानी हो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये देखिए बोला है प्रूफ कीजिए, यानी साइन x प्लस y बाय साइन x माइनस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y बाय tan x माइनस। ये देखिए मुझे इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, लेचेस को आप उठाइएगा। क्वेश्चन हम बिना नंबर डाले अगर लिख दें बोर्ड पर ना, तो एकदम गजब लगने लगता है, लगता है कि इसका कुछ मतलब गजब जैसे कहा जा सकता है, कुछ छोड़िए सर। एलएचएस को उठाइए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस साइन ए, यानी साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन प्लस कॉस ए इंटू साइन। अब वो फिर नीचे क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। अब देखिए कॉस एक्स और कॉस वाई दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो यहां जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां पे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा? टेन बचेगा, कॉस वाई वाई कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा? टेन एक्स प्लस यहां पे आपका कॉस एक्स कटेगा तो क्या बचेगा? टेन वाई। अब
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका cos y कटेगा तो यहाँ पे 10x और माइनस 10। हमें लगता है कि आप लोग क्लियर हो, लेकिन मैं फिर से एक वीडियो अभी लेकर आने वाला हूँ इसी पे, इस चैप्टर पे। मैं ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं कराऊंगा अभी जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहा हूँ आप लोग के सामने, और फिर इस लेक्चर को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने प्रूफ करने की एक से एक तरीके को बताऊंगा और उसे प्रूफ कराने की कोशिश करूंगा। आइए एक एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूछा है 10 साइन 75 डिग्री, एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है 10 15 डिग्री। साइन 75 को आप कितना लिखोगे बताओ तो, 30 प्लस 45 लिख सकते हैं, बताइए, बोलिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यार, लिख लो। तो यहां पे साइन ए, कॉस बी, कॉस ए, साइन बी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 1/√2, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, क्या आएगा एलसीएम 1 + √3/2 √2, यही तुम्हारा आंसर। क्या है यार, कुछ है, कुछ भी है बताओ, कुछ भी नहीं है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते लेकिन आप लोग से यही मेरा कहना है कि आप लोग फार्मूले को जरूर अच्छे से याद करें। आइए 10 वाले एक क्वेश्चन को देखते हैं। 10 इसको हम 45 - 30 लिख सकते हैं, बोलिए, क्योंकि 45 में से 30 आप माइनस करोगे तो 15 आएगा। तो टेन ए, अब देखिए यहां पे माइनस लगा हुआ है, टेन ए माइनस 10/1, यहां पे माइनस रहता है तो यहां पे प्लस हो जाता है, 10a × 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 + 1 × 1/√3, इसकी रूट में 3 - 1√3 √3 + 1√3, नीचे वाला आपका कट जाएगा, √3 और √3 + 1, इतना आंसर नहीं होगा तो इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप परिमेयकरण करके फिर वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और इस वाले लेक्चर में यानी लेक्चर 7 जो आप लोग के सामने आएगा, बहुत शानदार तरीकों से 3.3 के क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट यानी प्रूफ करने टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आप लोग को बताऊंगा और क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।